हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है फ्राइडे और ये आप सबको तो पता ही है कि फ्राइडे को मैं फ्री रहता हूँ। तो ये देखिए, आज हमारे तरफ की मार्केट पूरी बंद थी और आज का वेदर भी बहुत ही अमेजिंग था। और विंटर सीज़न में सुबह सुबह की धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हमने सोचा आज कि हम आज फ्री भी है इसलिए हम फैमिली पिकनिक पे जाएंगे नेहरू वन उद्यान, जो कि रोइंग पे है। और ये रहा, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये हम सब सामान लेकर जा रहे हैं स्पॉट पे। और मैंने सोचा कि आपके साथ यहाँ का व्यू भी शेयर कर लूँ। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे और इतने सारे मेमोरीज जुड़े हुए हैं इस प्लेस के साथ। हम यहाँ जब छोटे थे तब हम यहाँ बहुत घूमने आया करते थे, बट अब काम की वजह से ज़्यादा आना नहीं होता। और ये है मेरा भांजा मासूम। और ये है मेरी नीस नफीसा और ये यहाँ झूले पे एंजॉय कर रही है और बच्चों को खेलते हुए एंजॉय करते हुए देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इन्हें एंजॉय करते हुए देख मुझे बहुत ही अपने बचपन की याद आ रही थी। हम भी ऐसे यहाँ आया करते थे और यहाँ बहुत ही एंजॉय करते थे अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ। और बच्चों को एंजॉय करते हुए देखकर मेरी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। हम भी यहाँ आया करते थे, ऐसे ही एंजॉय करते थे अपने सारे फैमिली मेंबर्स दोस्तों के साथ, बहुत ही अच्छा लगता था। और मैं यहाँ कैमरा पे देवपानी रिवर का व्यू कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, बट ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वेदर बाद में बहुत ही क्लाउडी हो गया था, सो इसलिए। और ये मेरा देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड बहुत ही अमेजिंग था। नॉर्मली इस पार्क में बहुत ही रश रहता है स्पेशली पिकनिक टाइम पे, बट आज क्लाउडी वेदर होने के कारण ज़्यादा रश नहीं था, बहुत ही खाली खाली सा था। और उसके बाद मैं निकल गया बाकी पार्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत टाइम के बाद आया था तो बहुत सारे चेंजेस हो गए थे इस पार्क में, सो मैंने सोचा कि देख लूँ क्या क्या यहाँ पे है कि नहीं पहले की तरह, बट ज़्यादा कुछ था नहीं पहले की तरह। बट इतने टाइम के बाद निकल कर ना मज़ा बहुत आ रहा था और स्पेशली सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ थे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। यहाँ पर एक फाउंटेन भी हुआ करता था पहले, बट अब वो है नहीं, पता नहीं क्या हुआ, रीज़न मुझे पता नहीं है। और आपको यहाँ से मैं शेयर करता हूँ त्योपानी रिवर का व्यू, बहुत ही अमेजिंग था। देखिए आप वेदर कितना अच्छा था, सुहावना सा मौसम था। और ये देखिए, ये बहुत ही फेमस पिकनिक डेस्टिनेशन है, यहाँ पे लोग पिकनिक करने बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद मैं आगे निकल गया दूसरे पार्ट एक्सप्लोर करने पार्क के अंदर ही। ये एरिया पर्टिकुलरली है, जब हम छोटे थे तो यहाँ हम बहुत खेलने आया करते थे, हमारे लिए बहुत ही उस समय बहुत मज़ा आता था यहाँ पर आकर।
और उसके बाद धीरे धीरे बारिश आने लगी। सो हमने ज़्यादा उसके बाद वहाँ पे स्टे नहीं किया। फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम धीरे धीरे वहाँ से रिटर्न आने की तैयारी करने लगे। और यहाँ ये बच्चे अभी भी खेल रहे थे, तो उसके बाद हमने लंच किया और उसके बाद हम साथ में निकल गए। सो ये था आज के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस।